प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमाली। चलिए रुक करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की ओर। 2024 के लोकसभा चुनाव में महज 1 साल से भी कम का वक्त बचा है, जिसको लेकर भाजपा युद्ध स्तर की तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। केंद्रों से लेकर प्रदेश स्तर तक बैठकों का दौर लगातार जारी है, क्योंकि भाजपा के सामने एक बार फिर से जबरदस्त प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है। तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने एक प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि सभी विधानसभा तहसीलों पर शक्ति केंद्र कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके लिए सभी सांसदों और विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही 21 से 30 जून तक घर घर संपर्क अभियान का भी आगाज किया जाएगा, जो विधायक और सांसद के साथ ही पदाधिकारी एक साथ मिलकर करेंगे। 23 जून को दर्शावा की पुण्यतिथि को सभी बूथों पर मनाया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि 25 को मन की बात का कार्यक्रम सभी बूथों पर आयोजित किया जाएगा और इस दौरान सभी जो कार्यकर्ता है, जो सभी जनता है, वो इस कार्यक्रम को सुनेगी भी। तो 2024 के लिए भाजपा लगातार तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही है। सियासी बिसातों को बिछाया जा रहा है और मिशन 2024 के लिए सभी नेताओं, विधायकों, सांसदों से लेकर पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो वहीं अब जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, वो लोगों के घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान करेंगे। तो वहीं 25 को मन की बात कार्यक्रम को सभी बूथों पर भी आयोजित किया जाएगा। वहीं आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 2024 के चुनावों को लेकर जो भी तैयारियां की गई है, उसके खाके को मीडिया के सामने पेश भी किया है। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, मिशन 2024 के लिए भाजपा लगातार तैयारियों में जुट गई है। इस दौरान भाजपा ने अपनी टीम की घोषणा भी कर दी है। पदाधिकारियों से लेकर विधायकों और सांसदों तक को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। क्या कुछ जिम्मेदारियां किन किन को सौंपी गई है गौरव? देखिए मुस्कान, मुझे लगता है कि जून का महीना जो 2023 का है, बड़ा अहम है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ जहाँ पर बीजेपी लगातार अपने अभियान चलाने की शुरुआत करने जा रही है और शुरू कर दिए गए हैं, तो वहीं अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर जून से अपने अभियान शुरू करने जा रही है। इससे 5 जून तक महंगाई कार्यक्रम होंगे और 9 जून से वहाँ पर नियमित सरान से पहली बार लोकसभा की तैयारी की अभियान की शुरुआत अखिलेश यादव वहाँ पर करेंगे। अगर बीजेपी की बात करें तो मुस्कान, सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि यहाँ प्रत्येक दिन को, प्रत्येक जो समय है, उसका यहाँ पर मूल्यांकन के हिसाब से वहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लोकसभा की बात करें चाहे विधानसभा की बात करें, शक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे और शक्ति केंद्र जो बूथ स्तर पर होंगे वहाँ स्थापित किए जाएंगे और सबको जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। जनसंपर्क अभियान कल शुरू हो चुका है। 30 मई से 30 जून तक जनता महाजनसंपर्क अभियान यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा अगर बात करें मुस्कान, तो यहाँ पर सांसदों, विधायकों, पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि जनता के बीच यहाँ पर जाएँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर यहाँ पर सबकी जिम्मेदारी सौंपते हुए यह भी कहा गया है कि आगामी 21 जून जो कि योग दिवस होता है, उस पर भी बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 23 जो जून होता है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिवस होता है, बीजेपी के संस्थापक रहे हैं, तो उनका भी जन्मदिवस यहाँ पर बेहतर तरीके से मनाने की बात और जनता के बीच अपना अपना रिपोर्ट कार्ड पहुंचाने की बात, सरकार के कार्यकाल पहुंचाने की बात यहाँ पर बात कही जा रही है। ठीक है, लेकिन गौरव, जिसके जिस तरह से 21 से लेकर 30 जून तक घर घर संपर्क अभियान भी चलाया जाएगा, तो इस अभियान को किस तरीके से जो जनता के सामने पेश किया जाएगा या किस तरीके से जो सांसद है, जो विधायक है, वो लोगों के बीच जाएंगे? देखिए मुस्कान, सबसे अहम बात है बूथ स्तर को मजबूत करना है। हमने आपको बताया कि बूथ स्तर अगर मजबूत कर लिया तो निश्चित रूप से चुनाव में आपको जीतने से आपको रोक सकता है। और बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत बूथ स्तर है। वहाँ पर बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े पदाधिकारी, बड़े से बड़े यहाँ तक कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह स्वयं पन्ना प्रमुख बनते हैं। पन्ना प्रमुख यानी एक पेज की जो वोटर लिस्ट होती है उसकी जिम्मेदारी पन्ना प्रमुख की होती है। वहाँ पर जब गृह मंत्री, जिसका गृह मंत्री पन्ना प्रमुख बनकर अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है, तो बूथ स्तर पर कोई भी पदाधिकारी, सांसद, विधायक जिम्मेदारी को वहन कर सकते हैं। यहाँ पर जो दायित्व है, सबको दायित्व उनकी क्षमता के हिसाब से दिया जाएगा। और दायित्व की अगर बात करें मुस्कान, आपने मुझसे पूछा था कि किस किस को जिम्मेदारी दी जाएगी, तो यहाँ जिम्मेदारी सभी सांसदों को दी जाएगी। जहाँ पर बीजेपी के सांसद नहीं है, वहाँ पर पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी, विधायकों को जिम्मेदारी दी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण सचिव विधानसभा क्षेत्र में होना है, लोकसभा क्षेत्र में होना है। जहाँ सांसद है, जहाँ विधानसभा है, वहाँ विधायक इस काम को अंजाम देंगे और जहाँ पर सांसद नहीं है वहाँ पदाधिकारी इस काम को अंजाम देंगे मुस्कान। ठीक है गौरव, जिस तरीके से भाजपा के सहयोगी दल भी लगातार तत्पर रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, तो ऐसे में जो भाजपा के सहयोगी दल है उनकी सहभागिता किस तरीके से तय की जा रही है गौरव?
देखिए सहयोगी दल है, उनका अपना रोड मैप होता है, उनका अपना प्लान होता है किस तरह यहाँ पर हमको लड़ने जाने, क्योंकि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है मुस्कान कि सहयोगी दल यहाँ पर सहयोग कर सकते हैं पर सामने एकदम से नहीं आते, क्योंकि अभी सीटों पर तमाम सीटों पर बात होती है कौन कहाँ पर चुनाव लड़ेगा। लोकसभा चुनाव महत्वपूर्ण है, यहाँ पर किस सीटों को किस सहयोगी दल को चुनाव लड़ाया जाएगा, अपना दल कहाँ लड़ेगा, निर्धार पार्टी कहाँ लड़ेगी, ये तमाम प्रश्न बीजेपी के सामने होंगे। और उसके हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण बात मुस्कान ये है कि ये बाद में स्पष्ट हो जाए, पर यहाँ पर सभी दल अगर हम बात करें तो यहाँ बीजेपी से अलग अपनी अपनी ताकत दिखाने पे यहाँ तैयार है, चाहे हम बात निसार पार्टी की करें चाहे अपना दल की बात करें, लगातार रैलियाँ उनके द्वारा भी की जाएंगी, वो भी अपनी क्षमता दिखाएंगे और बीजेपी से ज़्यादा टिकट मांगने का प्रयास करेंगे और फिर उसका चुनाव यहाँ लड़ा जाएगा सहयोगी दलों के साथ मिलकर, चुनाव परिणाम सब आएंगे सामने होंगे और स्पष्ट हो जाएगा कि किसको कितना सीटें यहाँ पर मिला है। पर मुस्कान यहाँ पर सहयोगी दल की अपनी भूमिका है, वो अपना अलग प्रदर्शन करेंगे, अपनी अलग मेहनत करेंगे, उसके बाद विचार सीटों पर मंथन होगा, उसके बाद चुनावी रोडमैप तैयार किया जाएगा। मुस्कान ठीक है गौरव, ये तो रही यूपी के बाद जहां पर भाजपा की लगातार बैठकों का दौर जारी है, कार्यालय पर तमाम दिग्गज नेता बैठकर रोडमैप तैयार कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी बचे हुए राज्य है उस पर किस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है, उसके लिए भाजपा किस तरीके से तैयारी कर रही है गौरव? देखिए नमस्कार, अभी हमने देखा था कि कल प्रेस वार्ता का आयोजन कराया गया था और सभी जगह पे प्रेस वार्ता आयोजन की गई थी, पूरे देश भर में आयोजित की गई थी। वहाँ हमने देखा था जहाँ पर सरकारें हैं वहाँ पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री वहाँ प्रेस वार्ता कर रहे थे, और जहाँ पर सरकारें नहीं हैं वहाँ पर केंद्रीय मंत्री और वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष वहाँ प्रेस वार्ता कर रहे थे और बीजेपी के कार्यकाल को बता रहे थे 2 साल कार्यकाल कैसा रहा है। तो सबसे अहम कड़ी मुस्कान यहाँ पर यह है कि जहाँ बीजेपी सरकार नहीं है वहाँ बीजेपी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है तमाम बड़े जो लक्ष्य रखे जाए वहाँ के लिए कि पदाधिकारी वहाँ पर देखा जाएगा किसको यहाँ जिम्मेदारी मिलती है। बीजेपी आने वाले समय में अपने अनुभवी चेहरों को अलग अलग प्रदेशों पर जिम्मेदारी देगी। अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की, मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव होना है, छत्तीसगढ़ में होना है, राजस्थान में होना है, तमाम जगह विधानसभा चुनाव होने हैं, वहाँ पर भी रणनीति तैयार की जाएगी मुस्कान, और अहम जिम्मेदारी यहाँ पर बड़े चेहरों को मिल सकती है मुस्कान। ठीक है, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए। दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए तो आपने देखा कि घर घर संपर्क अभियान से जनता को जोड़ने की तैयारी भी भाजपा ने शुरू कर दी, और ये 21 से 30 जून तक ये अभियान चलाया जाएगा जहां भाजपा के सांसद विधायक से लेकर तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता लोगों के घर पहुंचेंगे, लोगों के बीच पहुंचेंगे और उनसे संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। साथ ही केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को भी जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो वहीं पहलवानों के प्रदर्शन और 5 दिन के अल्टीमेटम के दौरान दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के मामले को लेकर कहा कि अभी तक रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने के कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिले, और सूत्रों की माने तो 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट भी दाखिल की जा सकती है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी अभी लगातार हम तक पहुंच रही है कि जो बृजभूषण शरण सिंह है उनके खिलाफ गिरफ्तारी के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट भी जो पुलिस है वो दाखिल कर सकती है। एक बार फिर इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, लगातार पहलवानों का धरना प्रदर्शन देखा और बीते दिनों की भी तस्वीरें आपने देखी कि जब पहलवान अपने जो मेडल्स हैं उसको गंगा में प्रवाह करने पहुंचते हैं, लेकिन आज सूत्रों के हवालों से जो खबर लगातार हम तक पहुंच रही है वो ये है कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। गौरव, क्या कुछ और अपडेट सामने आ रही है? जी बिल्कुल, यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि बृजभूषण शरण सिंह की जो गिरफ्तारी को लेकर सबूत होने चाहिए वो नहीं मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें शोषण कहाँ हुआ, उसकी जानकारी किस समय हुआ, कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, तो तमाम जो प्रश्न है दिल्ली पुलिस के सामने थे, फिलहाल उनको कोई सबूत नहीं मिला है। और जानकारी के मुताबिक ये कहा गया है कि 15 दिन के अंदर अब दिल्ली पुलिस यहाँ पर क्लोजर रिपोर्ट यानी फाइनल रिपोर्ट लगा देगी, यानी जो गिरफ्तारी की मांग लगातार पहलवान कर रहे थे, धरना प्रदर्शन करते हुए कर रहे थे, कल उन्होंने हरिद्वार भी गए थे, हर की पैड़ी पर वहाँ पर उन्होंने अपने मेडल को विसर्जित करने की बात भी कही थी, हालांकि वहाँ पर श्री गंगा सभा ने मेडल विसर्जित करने से मना कर दिया था, उन्होंने कहा था कि ये आस्था का केंद्र है, ये पौराणिक केंद्र है, ऐतिहासिक केंद्र है, ये धार्मिक केंद्र है, यहाँ पर राजनीति को हम जगह नहीं देंगे। उसके बाद पहलवानों ने अपने जो मेडल है वो किसान नेता नरेश टिकैत को दे दिए थे, ये जानकारी के साथ बताया जा रहा है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात मुस्कान यहाँ पर है, लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजनीति सबसे महत्वपूर्ण देखी जा रही है। प्रदर्शन करना अपनी बात है, जगह बोलना अपनी बात है, शोषण का आरोप लगाना अपनी बात है, पर कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर सबूत नहीं मिलते हैं वो भी यहाँ पर पहलवानों के लिए निराशा का समय हुआ, क्योंकि यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान अभी आज बयान दे दिया है और कहा है कि हमने कुश्ती को उठाया, हमने मेहनत की,
जब हम इस कार्यकाल में इसके अध्यक्ष बने थे कुश्ती महासंघ के, तब भारत अगर बात करें तो भारत 20 देशों की सूची में 20वें नंबर पर था और समय भारत पांचवें नंबर की सूची में है। हमने जो 7 ओलंपिक मेडल कुश्ती में आए हैं वो 5 मेरे कार्यकाल में आए हैं। मैंने कुश्ती को जिया है, ये सभी पहलवान मेरे बच्चे हैं, मैंने बच्चों को तरह सिखाया है और ये खून पसीना है कि मेरे खून पसीने की ताकत है, मेहनत है कि ये लोग। लेकिन गौरव, जिस तरीके से बृजभूषण चरण सिंह के आज बदले हुए तेवर जरा नजर आए, वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे बच्चे हैं, इन्हें हमने सिखाए हैं। लेकिन अगर पदकवीर इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई जरूर होगी, क्योंकि पदकवीर अपने अगर पदक लेकर के उसको प्रवाह करने की बात कर रहे हैं तो यानी कि मामले में कहीं ना कहीं गंभीरता है। गौरव, देखिए मुस्कान, गंभीरता है कि नहीं है वो तो आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा, जांच होगी। बृजभूषण सिंह ने आज ये भी कहा है कि अगर पहलवान ये बोलते हैं कि उनके खिलाफ सबूत हैं, अगर पहलवान खुद सबूत दे देते, वो मेरी फांसी की मांग कर रहे हैं, वो मेरे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, मैं वादा करता हूँ अगर पहलवान जो ये जंतर मंतर प्रदर्शन कर रहे थे, अगर पहलवान कोई भी सबूत मेरे खिलाफ देते हैं तो मैं स्वयं फांसी पर लटकने तैयार हूँ। उन्होंने आज एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही है, उन्होंने कहा है कि अगर मेरे खिलाफ सबूत मिलते हैं मैं स्वयं फांसी लटकने तैयार हूँ, मैं स्वयं इस्तीफा देने तैयार हूँ, पर मुझे पता है कि जब कुछ हुआ ही नहीं है तो सबूत यहाँ पर कहाँ से मिलेंगे। और रही बात राजनीति की, मुस्कान, तो स्पष्ट कर दूँ, धरना प्रदर्शन अलग बात है, व्यवस्था अलग बात है, कमियाँ अलग बात है, आरोप अलग बात है, पर जहाँ से हम देख रहे थे किस तरह से यहाँ पर तमाम तरह के वीडियो वायरल हुए थे जिसमें पहलवान ओलंपियन साक्षी मलिक अपने घर से अपने मेडलों को समेट रही थी, रख रही थी और दबे तरूपी से देख रही थी कि किस तरह हमने मेडल यहाँ पर प्राप्त किए मेहनत से, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर अगर आरोप है जो भी है वो आने वाले समय स्पष्ट हो जाएगा। और फिलहाल जिस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, ये हर की पैड़ी भी गए थे वहाँ पर भी, तो बड़ा नाटकीय घटनाक्रम वहाँ पर रहा है, आप भी देखा, हमने भी देखा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मामला आरोप के अलावा यहाँ पर राजनीति नजर आ रही है। कल जो है खाप पंचायत होगी मुजफ्फर पुर में, ये भी कहा जा रहा है कि खाप पंचायत होनी है। ऐसे में अब आज पुलिस की तरफ से जो ये बयान आया है कि जो सबूतों के अभाव में बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं गौरव? देखिए यहाँ पर जो बयान आए हैं पुलिस से, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरह से निराशा पहलवानों के लिए रहेगी। अब पहलवान कहाँ जाएंगे, कहाँ प्रदर्शन करके, उन्होंने इंडिया गेट प्रदर्शन की यहाँ पर बात कही थी कि आमरण अनशन करेंगे, आमरण अनशन होगा कि नहीं होगा ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि मुस्कान यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैंने जो बात कही है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, वहाँ पर शोषण हुआ है। 28 मई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे, सैंगुल दंड हाथ में लिए थे और व्यवस्था की और अच्छाई की और कानून की बात वहाँ पर कर रहे थे, दूसरी तरफ वहाँ पर लड़कियों को जो पहलवान है जिन्होंने हमारे देश का परचम ऊंचा किया है, विश्व प्रदर्श में झंडा ऊंचा किया है, मेडल जीत के लाए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ वहाँ पर गलत हो रहा था, भद्दा हो रही थी, उनको खींच कर उनको गाड़ियों में भरा जा रहा था, जेल भेजा गया वहाँ से, हालांकि जो धाराएं थी गंभीर नहीं थी, इससे उनको जमानत मिल गई थी, पर कहीं ना कहीं वो सभी सच देश ने देखा है, गलतियाँ वहाँ पर हुई हैं और जिस तरह से वहाँ पर वीडियो आए हैं हर भारतवासी को लगेगा ये चीज़ गलत हो रही है और निश्चित रूप से कड़ी भर्सना करना चाहिए। प्राइम टीवी इसकी भर्सना करता है, मैं भी भर्सना करता हूँ, पर यहाँ पर सबसे अहम बात यह है मुस्कान, ये है जो वीडियो वायरल हो रहे हैं दिखाने के हर की पौड़ी पर जो गए हैं, वहाँ पर भी मुस्कान एक प्रश्न जरूर उठता है कि आखिर ये राजनीतिक खेल क्यों बनाया जा रहा है। अगर पहलवान चाहते हैं कि उनके आरोपों की समीक्षा हो, कार्रवाई हो, तो उनको कम से कम राजनीति दलों से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दल यहाँ पर सियासत करने ही आ रहे हैं। हमने तमाम देखा है, अरविंद केजरीवाल भी गए, जयंत चौधरी भी गए, पहलवानों साथ धरने पर बैठने के तैयार कोई नहीं है, पर हाँ राजनीति जरूर तैयार हो चुकी है। ठीक है गौरव, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि अब जिस तरीके से 15 दिन का समय मांगा गया है, ये कहा जा रहा है कि 15 दिन में जो ये रिपोर्ट है ये पेश कर दी जाएगी, तो क्या इस रिपोर्ट को सार्वजनिक भी किया जा सकता है? मुस्कान यहाँ पर रिपोर्ट जो भी होगा वो सार्वजनिक हो सकती है, हालांकि क्लोजर रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती है, पर यहाँ पर जो क्लोजर रिपोर्ट है वो स्पष्ट कर देगी कि चीज़ें क्या है क्या नहीं है। पर यहाँ पर सबसे अहम बात मुस्कान ये है, 15 दिन का इंतजार तो अभी बाद में होगा, यहाँ पर एक अहम पड़ी ये भी है कि 5 जून को संतों की यहाँ रैली होने वाली है। संतों ने आह्वान किया है, पास्को एक्ट में बदलाव की मांग की है और ये संतों की रैली बृजभूषण शरण सिंह के पक्ष में है, तो अभी यहाँ पर जहाँ एक तरफ खाप पंचायत हो रही है तो वही 5 जून को यहाँ पर संतों की रैली भी होने वाली है। तो यहाँ पर फिलहाल मुस्कान हम देखेंगे कि इस महीने में भी इस पूरे मामले पर रस्साकसी का दौर जारी रहेगा, राजनीति होगी, परिणाम क्या आएगा, जाँच क्या होगी और बृजभूषण शरण सिंह इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, सबूत मिलेंगे ना मिलेंगे, अभी 15 दिन का समय बाकी है, अगर सबूत नहीं मिलते हैं तो हो सकता क्लोजर रिपोर्ट बढ़ेगी, पर इस मामले पर जो रस्साकसी का दौर है, जो यहाँ पर जो एक लड़ाई हो रही है, जो एक चुनौती पेश की जा रही है सांसद के लिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी होगी,
आने वाले समय में। नमस्कार, बिल्कुल धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए। दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए तो पहलवानों के आरोपों पर कहीं ना कहीं सूत्रों का जो अभाव है उसका हवाला देते हुए पुलिस ने कहा है कि ये जो केस की जांच है ये 15 दिन के अंदर इसकी पूरी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी और सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन अब ये देखना भी अहम होगा कि जो पहलवान है उनका अगला दाव क्या होगा, वो किस तरीके से प्रदर्शन करेंगे या वो न्याय की गुहार लगाने सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से पहुंचेंगे, अब ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। बीते दिनों की तस्वीरें तो सभी ने देखी थी जब पहलवान अपने मेडल को गंगा में प्रवाह करने पहुंचे, लेकिन नरेश टिकैत के रोकने पर जो पहलवान है वो मान गए और खाप पंचायत ने सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम तक दिया और आज अल्टीमेटम का पहला दिन है। तो भाई अल्टीमेटम के दूसरे दिन यानी कि 1 जून को मुजफ्फरपुर के सोरम गांव में महापंचायत बुलाई गई है। इस दौरान पहलवानों के जारी विरोध पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। नरेश टिकैत किसान नेता के साथ ही बालियान खाप के मुखिया भी है और टिकैत ने कहा कि इस मामले पर महापंचायत में विस्तार से चर्चा भी की जाएगी। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी राजन हमारे साथ जुड़े हैं। राजन, कल किसानों की एक महत्वपूर्ण खाप पंचायत होनी है पहलवानों के समर्थन में, इस खाप पंचायत में कौन कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होगी या आगे की रणनीति किस तरीके से बनाई जाएगी? देखिए, जब पहलवान हरिद्वार पहुंचे मेडल को विसर्जन करने के लिए तो वहां पर नरेश टिकैत पहुंचे और उन्होंने पहलवानों को मनाया और उसके बाद में पहलवान मान गए और उन्होंने मेडल विसर्जन नहीं किया। वहीं मैं आपको बता दूं जो कल मुजफ्फरनगर में महापंचायत होने वाली है पहलवानों के समर्थन में, उसमें कई मुद्दों को लेकर बातचीत होगी क्योंकि आसपास के राज्य जिले नहीं बल्कि आसपास के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों से किसान नेता भी वहां पहुंचेंगे और खाप पंचायत जो होगी उसमें कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत होने वाली है क्योंकि पहलवान 4 महीने से ज्यादा का समय हो गया था जो जंतर मंतर पर अपना धरना दे रहे थे और ब्रजभूषण सिंह की जो गिरफ्तारी को लेकर जो यौन शोषण के आरोप लगाए उसकी गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार से मांग कर रहे थे, उसको लेकर जंतर मंतर पे बैठे हुए थे। अब फिलहाल जो कल महापंचायत होने जा रही है उसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि कौन सी दिशा और कौन सी दशा में किस तरीके से काम करना है। उसमें अहम मुद्दे यही लेने वाले हैं कि केंद्र सरकार को किस तरीके से घेरना है और किस तरीके से अपनी बातों को मनवाना है क्योंकि पहलवानों ने ऐलान कर दिया है साफ तौर पर कि वो किसी भी तरीके से पीछे हटने वाले नहीं है चाहे उन्हें इस मामले में कुछ भी करना पड़े। तो फिलहाल जो कल तस्वीरें देखने को मिली वो बिल्कुल विभिन्न थी क्योंकि अब तक जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन देखा गया था, उनसे हटाने का देखा गया था, वहां पे विरोध प्रदर्शन देखा गया था, लेकिन जो कल तस्वीर थी वो बिल्कुल अलग थी और पूरे देश भर में इसकी चर्चा है और ट्रेंडिंग में ये चीज चल भी रही है। राजन, खाप पंचायत कल होगी जिसमें जाहिर सी बात है कि पहलवान भी शिरकत करेंगे तो उसके लिए पुलिस ने भी कहीं ना कहीं पूरी कमर कस ली होगी, तो पुलिस की तैयारी क्या कुछ की गई है खाप पंचायत को देखते हुए? देखिए, मुजफ्फरनगर सहित आसपास के जिलों पर जो इतनी भी बॉर्डर है उन बॉर्डरों पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने अभी से सुरक्षा के व्यवस्था के इंतजाम कर लिए हैं, जगह जगह चेकिंग की जा रही है, लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। तो वहीं जो पंचायत में शामिल होने वाले हैं अभी तक फिलहाल उन्हें ना तो रोका टोका गया है ना ही उन्हें नजरबंद करा गया है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले देखा गया था जब नजरबंद लोगों को नजरबंद कर दिया था, भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को घर में नजरबंद कर दिया था, जो अन्य पार्टी विपक्षी दल हैं उन्हें घर में नजरबंद कर दिया था, यहां तक कि मेरठ के समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में जंतर मंतर जाने के लिए तैयार थे तो पुलिस ने घेराबंदी करके उन्हें भी हिरासत में ले लिया और शाम होने के बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। फिलहाल अभी इस तरीके की कोई भी सूचना सामने नहीं आई है, कोई बात निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन क्या होगा कल ये आने वाला वक्त बताएगा और इस पंचायत में क्या कुछ निर्णय लेने वाले हैं, क्या दिशा तय होगी, क्या दशा तय होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर पहलवान नरेश टिकैत और राकेश टिकैत और भारतीय किसान यूनियन के जो तमाम कार्यकर्ता आएंगे कि आगे की रणनीति क्या बनती है, इनकी सरकार से क्या मांगे रहने वाली है, सरकार को आखिर किस तरीके से घेरेंगे। अहम फैसले भी लिए जाएंगे। वही पंचायतों के साथ तमाम जो किसान संगठन है वो भी इस पंचायत में शिरकत करते हुए नजर आ सकते हैं। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट आज श्रृंगार गौरी के नियमित पूजा की मांग वाली याचिका पर फैसला सुनाएगा। इससे पहले 23 दिसंबर 2022 को जस्टिस जे जे मुनीर की सिंगल बेंच ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सुरक्षित रख लिया था फैसला। बता दें कि इससे पहले जिला जज वाराणसी ने मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल की गई आपत्ति को खारिज कर दिया था। तो आज ये बड़ी और अहम फैसले का दिन था, तो एक बार फिर से याचिका खारिज कर दी गई है। जी हाँ, आज फैसले की घड़ी थी और 3:45 तकरीबन तक का समय निर्धारित किया गया था, तो वही अब फैसला आ चुका है जो कि याचिका खारिज कर दी गई है। आपको बताते चले कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला सज वाराणसी के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसी पर आज फैसला सुनाया गया है और याचिका को खारिज कर दिया गया है। बता दें कि श्रृंगार गौरी केस में राखी सिंह के साथ ही अन्य लोगों द्वारा वाराणसी की अदालत में सिविल वाद दाखिल किया गया था। वह इस मुकदमे में अपनी आपत्ति खारिज होने के खिलाफ मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और नियमित पूजा वाली मांग की याचिका को एक बार फिर से खारिज कर दिया गया है। तो आज फैसले की घड़ी थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज ये फैसला आना था, तो ये फैसला भी अब आ चुका है जहां पर यह याचिका खारिज कर दी गई है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी सागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, आज फैसले की अंतिम घड़ी थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आखिरकार अपना फैसला सुनाते हुए श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सागर जी, बिल्कुल बता दूं कि वाराणसी के श्रृंगार गौरी केस में आज फैसला आना था, तो कहीं ना कहीं देखिए ये 4 बजे के बाद फैसला आना था। कोर्ट ने यह तय किया था कि जो 13 दिसंबर 2022 को जो फैसला रखा गया था उसको सुरक्षित रखने के बाद ये फैसला आ जाने की पूरी तरह संभावना व्यक्त की जा रही थी। और फैसले को अब बता दूं, ताजा अपडेट के अनुसार बता दूं कि कोर्ट ने इस फैसले को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अब देखने वाली बात यह है कि खारिज किए हुए फैसले पर क्या कुछ सुनवाई आगे चलकर होगी, क्या केस कोर्ट पूरा मामला है या फिर क्या अपर कोर्ट तक जाएगा, या फिर ये खारिज होने को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती होगी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है सागर, आज याचिका खारिज कर दी गई है, तो क्या मुस्लिम पक्ष एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करता हुआ नजर आ सकता है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि शायद देखिए याचिका खारिज होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का पूरा मामला था, इलाहाबाद हाईकोर्ट को सजा मतलब पूरी इस मामले पर सुनवाई करनी थी, तो इस खारिज के बाद मुझे लगता है कि शायद मुस्लिम पक्ष जो है क्या पता सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है या फिर किसी अन्य तरीके से याचिका पर सुनवाई होने के फैसले पर देख सकता है कि किस तरह से इस पूरे मामले को देखा जाए। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि शायद मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख पूरी तरह से किया जा सकता है। जी ठीक है सागर, अगर इस मामले को हम एक बार जरा नजदीक से देखें और अगर पीछे की याचिकाओं पर एक नजर डालें, तो मुस्लिम पक्ष द्वारा अक्सर जो भी अमूमन जो फैसले आते हैं कहीं ना कहीं उस पर आपत्ति जता दी जाती है, मुस्लिम पक्ष आपत्ति जताता है और एक याचिका नहीं दायर कर देता है। तो आखिर मुस्लिम पक्ष इतनी याचिकाएं क्यों दायर कर रहे हैं? क्या वो नहीं चाह रहे हैं कि इस मुद्दे पर जो फैसला है वो जल्दी से आ जाए? बिल्कुल जाहिर सी बात है मुस्कान, अगर बात की जाए तो याचिका खारिज होने की बात है तो कहीं ना कहीं देखिए इस पर पूरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन हाँ, वो अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी किस तरह से अपनी अपनी मानसिकताएं हैं कि वो याचिका दायर करते हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं याचिका खारिज होने के बाद निराशा तो हाथ रखती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद भी लगती है इस बार याचिका उनकी मंजूर हो जाए, तो लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट से खारिज कर लेता है। तो कहीं ना कहीं देखिए जो मजबूती है वो शायद इस मजबूती ना होने के कारण याचिका खारिज होती है, या फिर कोई अन्य कारण भी हो सकते हैं कि याचिका लगातार खारिज होती रही, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील दी गई थी कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और 1995 के सेंट्रल वक्फ के तहत सिविल वाद पहुंची नहीं है, और जिला जज के 12 सितंबर 2022 को आए फैसले को मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। तो कहने के इस केस में अदालत ने वाद दाखिल करने वाली 5 महिलाओं समेत 10 लोगों को पक्षकार बनाया था, और फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है याचिका पूरी तरह से खारिज कर दी गई। ठीक है सागर, आज इस केस पर एक कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण फैसला इसको माना जाए कि मुस्लिम पक्ष द्वारा जो भी याचिका दी गई थी उसको खारिज कर दिया गया है। तो उस दौरान कोर्ट परिसर के अंदर कौन कौन मौजूद रहा और क्या मुस्लिम पक्ष की तरफ से अभी तक इस जो फैसला आया है उस पर कोई बयान जारी किया गया है? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है देखिए आज बहुत बड़ा दिन था फैसले का, बहुत अहम दिन था भी दोनों पक्षों के लिए। तो कोर्ट में अगर जाहिर सी बात कोर्ट की बात करूँ तो केवल जो दोनों पक्ष है उसके जो पक्षकार थे वो लोग थे, और जो वकील थे जो वाद प्रतिवाद के दोनों वकील थे वो मौजूद थे, और कोर्ट बैठी हुई थी पूरी तरह। और कुल मिला के देखिए कोर्ट परिसर को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया था जो हमेशा की तरह रहता है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आज कोर्ट के लिए बहुत बड़ा दिन था, मुस्लिम पक्ष के लिए बहुत बड़ा दिन था, हिंदू पक्ष के लिए बहुत बड़ा दिन था, वकीलों के लिए बहुत बड़ा दिन था। तो कहीं ना कहीं देखिए याचिका खारिज होने के बाद अभी तक फिलहाल मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है कि
याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने क्या बोला, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई भी बयानबाजी सामने नहीं आई है। बिल्कुल, धन्यवाद सागर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए। दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए तो मुस्लिम पक्ष ने एक याचिका दायर की थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा को लेकर। इस याचिका पर आज फैसला आ चुका है और इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। आपको बताते चले कि आज कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष को एक बेहद ही बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ओर से जो याचिका दायर की गई थी कि श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा को लेकर, उसको कहीं ना कहीं अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है। फिलहाल मुस्लिम पक्ष की तरफ से अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है मुस्लिम पक्ष एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, सुप्रीम कोर्ट का रुख करे। अब ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा कि आखिर जो इंतजामिया कमेटी है वो आगे क्या रुख अपनाती है और क्या वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है या फिर वो इस याचिका के खारिज होने पर इस फैसले को कहीं ना कहीं मान लेती है। 4 बजे की 4 बड़ी खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।